भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य अब तक 102 करोड़ को पार कर चुका है। इससे हमारे देश की बड़े स्तर पर चलाए गए कोरोना के खिलाफ इस वैक्सीनेशन अभियान का परिणाम भी नजर आने लगा है। भारत में प्रतिदिन आने वाले कोरोना के मामलों में बड़े स्तर पर गिरावट देखने को मिली है। हरियाणा में भी 2,58,00,000 से ऊपर वैक्सीनेशन किया जा चुका है। वहीं भिवानी जिला में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 10,00,000 को पार कर गया है। भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर चांडेले ने बताया कि 100 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करके भारत ने दुनिया में कोरोना के खिलाफ गंभीरता से लड़ाई लड़ने का सबूत दिया है। अब भी प्रतिदिन फ्रंटलाइन वॉरियर के माध्यम से कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। अब 18 से 20 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों में वैक्सीनेशन का कार्य तेज करने के लिए कॉलेजों व उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र लिखकर वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि भिवानी जिला में अब तक 87% लोगों को वैक्सीनेशन की प्रथम डोज तथा 33% लोगों को वैक्सीनेशन की द्वितीय डोज लग चुकी है। आपको मैं बताना चाहूंगा, और बड़ी खुशी है कि भारत में 6 करोड़ के से ऊपर वैक्सीनेशन पूरी हो चुकी है। और हरियाणा की बात करें तो हमने 2,58,00,000 को वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। भिवानी में 10,00,000 से ऊपर हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। इसमें हमारी जो फर्स्ट डोज है वो 87% पूरी होगी है और सेकंड डोज 33% होगी है। हमारा जो एक टारगेट फोकस है वो सेकंड डोज पे है, क्योंकि हम जो फुल कवरेज के लिए टोटल प्रोटेक्शन जब भी अचीव होती है जब हम सेकेंड डोज पूरी कर लेते हैं, तो हमारा एक 80% जो है जो 1,000% जो 1,000 है वो हमारी अभी सेकेंड डोज की डू है। तो हम हर 3 या 4 दिन में, जैसे कि आज के दिन हमने 20,000 का टारगेट दिया है, तो ऐसे करके 4 या 5 दिन में हमारी जो डू लिस्ट है सेकेंड डोज की वो हम कवर करेंगे। इसके लिए जो हमने प्लान बना रखी है वो हमारे जो 18 से जो 24 साल तक या 30 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो पहले स्कूल कॉलेज में बंद हुए थे, वो अब वहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो हम सभी कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के इंचार्ज को चिट्ठी लिखवा दिए उपायुक्त महोदय से कि वो अपने कर्मचारियों और छात्रों को मोटिवेट करें कि वो खुद कोरोना वैक्सीनेशन हो और 2 या 3 दिन में सभी को सर्टिफिकेट दें कि हमारे पास कोई भी बच्चा बिना वैक्सीनेशन के नहीं रहा। अगर उन्होंने कोई ज़रूरत पड़ती है वैक्सीनेशन कैंप की, तो उसके लिए भी हमने DIO का नंबर दे रखा है, उससे शेयर करके हम वैक्सीनेशन कैंप करवाएंगे। आने वाले टाइम में हमें टारगेट मिला हुआ है कि हम 7 दिन के अंदर हमारी जो डू लिस्ट सेकेंड डोज है उसको हम पूरा करें। आपके माध्यम से भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमें पूरा प्रोटेक्शन के लिए हमें सेकेंड डोज बहुत ज़रूरी है, और बढ़ चढ़ करके जो हमारी प्रेगनेंसी रुकी हुई है वो आप सब हर बेनिफिशियरी को वैक्सीनेशन साइट पर लेके आए। भिवानी से इंद्रवेश तुहन की रिपोर्ट।